संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रत्ययों को लिख लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे इस विषय में। प्रत्यय का सीधा तात्पर्य है जो शब्दों के और धातुओं के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय बोला जाता है। यहाँ पर आज हम कृत प्रत्यय के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। कृत प्रत्यय, अब दो चीज यहां समझने की हैं। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं धातुओं से लगने वाले। यहां तीन स्थिति बनती है धातुओं से लगने वालों की। पहली स्थिति है कुछ प्रत्यय धातुओं से लगते हैं, लेकिन लगने उन प्रत्ययों को लगने से बाद उस पूरे शब्द की फिर दोबारा से धातु संज्ञा हो जाती है। जैसे सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय यदि किसी धातु के आगे लगेगा तो दोबारा से उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय भी जब किसी धातु के आगे लगेगा लगता है पीछे आगे गलत बोल रहा हूं यहां पर मैं तो उसमें उसकी फिर से धातु संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही ऋणिंग प्रत्यय है, यक प्रत्यय है, इस तरह से आदि। इस तरह से कुछ प्रत्यय हैं जिनको लगने से धातु से फिर द्वारा से धातु संज्ञा हो जाती है। दूसरी स्थिति है, दूसरे नंबर पर जो आते हैं, धातु से जो प्रत्यय लगते हैं तो धातु और प्रत्ययों के बीच अर्थात जो प्रत्यय लगने वाले हैं उनसे पहले कुछ प्रत्यय और उसमें संलिप्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे शप प्रत्यय है, शयन है, शुनु है, शलम है, इस तरह से कुछ प्रत्यय हैं जो आदि यहां धातु और प्रत्ययों के बीच में ये आ जाते हैं तो इनको बोला जाता है विकरण। इनको याद रखना है, ठीक है, तो इनके क्या बोला जाता है, विकरण। तीसरे वो हैं जो लट लकार आदि में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तिंग बोला जाता है। जैसे तिप, तिप्तस जी, आदि, इनको क्या बोला जाता है, तिंग प्रत्यय। ये भी धातुओं से ही लगते हैं। ये तीन स्थितियां धातुओं से बनती हैं लेकिन इनको कृत प्रत्यय नहीं बोला जाता। इन तीनों से हटकर के जब भी कोई भी प्रत्यय और प्रयोग किए जाते हैं धातुओं से, उनको कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखा गया है। तो इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो आज हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे, लेकिन जानने से पहले हमने तीन स्थितियां जानी, ठीक है। तो कृत प्रत्यय में आज हम तीन प्रत्ययों के बारे में जानेंगे जो ज्यादातर साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, और ये बहुत ही प्रयोग किए जाते हैं, साधारण से हैं, लेकिन ये थोड़े से समझने पड़ेंगे। तो मैं एक चार्ट बना देता हूं उसके लिए, और साथ ही साथ हम उनके सूत्रों के बारे में जानते चलेंगे, ठीक है। चलिए, यहां से शुरू करते हैं। हाँ, आ जाएगा उपपद। धन धातु शब्द है, पहला प्रत्यय होगा क्वीन, इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा होगा के प्रत्यय, तीसरा होगा किस प्रत्यय, और फिर इनके अर्थ के बारे में भी थोड़ा जानते चलेंगे। अब यहां पर कुछ सूत्रों को मैं यहां दर्शाता चलूंगा, जानते चलें तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्वीन प्रत्यय, के प्रत्यय और किस प्रत्यय, इसके लिए एक सूत्र थोड़ा सा जान लेते हैं। तदादिषु, दृशो अनालोचने, प्रादिशी दिशा अनालोचने,
केंचा, ये पूरा है इसमें। इसमें वार्तिक भी प्रयोग किया गया है, समान अन्य योश्चेति वक्तव्यम, ठीक है। एक और इसमें थोड़ा सा वार्तिक है, उसको और देखते चलें। दृशेह केशश्च वक्तव्यः, ये तीन है, इनके बारे में जानेंगे फिर हम इसमें चार्ट में इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। दो तीन चीजें जान लें। ये कह रहा है कि त्यदादिषु, त्यद आदि, त्यद आदि, ये शब्द प्रयोग किया गया। पहले मैंने त्यद को बता देता हूं, फिर आदि में उसमें बहुत सारे शब्दों का, त्यद आदि गण है तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। आदिषु में यानी आदि में यदि दृश्य, दृश्य धातु के साथ प्रयोग किया जाता है या दृश्य धातु को प्रयोग किया जाता है अन अनलोचने, अर्थात उसका अर्थ देखना ना होना चाहिए, दृश्य धातु का अर्थ देखना नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में क्विन प्रत्यय, क्यों प्रत्यय, क्विन और क्या, तो इससे ज्यादा क्यों और चा से क्विन प्रत्यय को दर्शाया गया, याद रखना पीछे से आया है ये, और कस प्रत्यय, ये यहां से दृश्य कस चा वक्तव्य, कस प्रत्यय यहां से ले लिया गया। तो त्यद धन दृश्य धातु और कुल प्रत्यय, इस तरह से ये दर्शाया गया। थोड़ा सा यहां समझते चलें, ये जो त्यद है दृश्य धातु है, ये उपपद के रूप में मौजूद होने चाहिए। दृश्य धातु का अर्थ अनलोचने बोला गया है, यानी देखना नहीं होना चाहिए, तभी उसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाएगा। अब मैं त्यदादि गण है उसको मैं यहां यही सीधे लिख देता हूं, यहां लिखूं फिर यहां लिखूं दो बार समय लगेगा, इसको बस यही लिख देता हूं सीधे। तो इसके लिए त्यद का प्रयोग हुआ पहले स्थान पर, त्यद तद यद एतद इदम युष्मद अस्मद भवतु किम, ये नौ इसमें तदादिषु में ये नौ गिने जाते हैं, तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर जो समान और अन्य, समान और अन्य दो शब्दों को और इस वार्तिक के जरिए इसमें जोड़ा गया है ना, तो यहां पर दसवें स्थान पर आ जाता है समान और ग्यारहवें स्थान पर आ जाता है अन्य। ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये तीन चीज थी, ये हमने देख लिया। अब इसके आगे हम सभी में दृश्य धातु का प्रयोग, ये उपपद के अंतर्गत माने गए हैं, है ना, तो यहां पर सभी में दृश्य का प्रयोग किया जाएगा। मैं केवल एक बार दृश्य लिख देता हूं जिससे कि समय भी हमारा बचेगा, और बार बार की फिर आप समझना कि इसमें सभी में दृश्य का ही प्रयोग किया जाएगा, दृश्य धातु सभी में प्रयोग किया जाएगी। अब बात आती है क्विन प्रत्यय को, इसको इसमें बनाने से पहले, क्योंकि एक को हम समझ लेते हैं तो फिर दूसरे को समझना बड़ा ही सरल हो जाता है, सब एक जैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्विन प्रत्यय मैंने इसलिए पहले लिखा है, यहां इसको ज्यों की त्यों लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसे, और ये दृश्य भी ज्यों की त्यों रहेगा। अब बात आती है इसकी, तो हमने संज्ञा प्रकरण में इसीलिए अध्ययन किया था क्योंकि अब यहां पर उन सारे सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, उनसे ज्यादा भी सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, अष्टाध्यायी का विस्तृत मामला होता है, तो इसको थोड़ा देखते चले। क्विन प्रत्यय में पहले का है, फिर ई है, फिर वा है, फिर ना है, इन सभी को लोप करना है। एक सूत्र आता है लश क्व तद्धते, सूत्र के द्वारा का लोप हो जाएगा, फिर ई उपदेशे अजनुनासका, इत से ई का लोप हो जाएगा, इत संज्ञा होती है इनकी, इनसे तस्य लोपासे उनका लोप हो जाता है, ये हमने संज्ञा प्रकरण में अच्छे से जाना था।
और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उसको अवश्य देख लें, क्योंकि संज्ञा प्रकरण आपका मजबूत होगा तभी आप इन प्रत्ययों में गति कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब हमारा वा और ना बचता है, ना का हलंत्यम से लोप हो जाता है और फिर बचता है केवल वा, वा का वेर प्रत्यस्य से इसका भी लोप हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें अध्ययन नहीं किया है लेकिन इसको सूत्र में भी ये प्रयोग किया गया है। तो बाद में जो बचता है ये सभी का संपूर्ण का लोप हो जाता है, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचता। अब इसकी स्थिति में ये ऐसे तो रहेगा नहीं, तो इसके लिए एक सूत्र और बताया गया है, क्योंकि क्विन लगा हुआ है, क्विन प्रत्यस्य कुहु, एक प्रत्यय सूत्र है, क्विन प्रत्यस्य कुहु इस तरह से बोला गया है, अर्थात क्विन प्रत्यय जिसमें लगा हो उस शा के स्थान पर का आदेश हो जाता है, ये इसका मतलब है। तो ये क्या बन जाएगा, त्यद धन दृक, ये प्रयोग हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, आ सर्वनामनः दृक्षेक चेति वक्तव्यम, वार्तिक है उस वो विकल्प में है, उसको छोड़ दें, पहले एक ही चीज याद कर लें, आ सर्वनामनः, इसका मतलब है सर्वनाम जितने भी हैं उनके ता और दा के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, जैसे इसमें ता है, ता हट जाएगा और आ आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आ त्या धन दृक, ये बन गया। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलकर के क्या बन जाएंगे, त्या दृक, ये पूर्ण रूप से बन गया हमारा, ये शब्द जो बनाना था त्याद्रिक वैसे ही प्रयोग बन गया। तो यहां पर त्यद धन दृश्य है उसकी जगह हम त्याद्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, उम्मीद है ये समझ में आया हो आपके, क्योंकि कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से समझाने का, प्रत्यय अगर आपने समझ लिए तो व्याकरण का 90% हिस्सा, 90% बहुत हिस्सा बता रहा हूं मैं आपको, छोटा नहीं है, क्योंकि समास पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा, सारी चीजें जब भी अध्ययन करेंगे उन सभी में प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाता है, शब्द को संपूर्ण प्रत्ययों पर ही आधारित है, तो 90% हिस्सा बता रहा हूं मैं इसलिए। तो यहां पर जो प्रत्यय है त्याद्रिक इसका रूप बन गया, इसी तरह से आ सर्वनाम ना बना है, तो जहां भी ये दा और ता होगा वहां आगे इसमें ही प्रयोग करते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं जहां ता ला हुआ वहां अपने आप से ज्यों की त्यों दीर्घ का प्रयोग होता है, जो तद बना हुआ दा है, दा की जगह ता बन जाएगा और दृक ज्यों की त्यों आ जाएगा, ताद्रिक याद्रिक, ये प्रयोग ज्यों की त्यों होते चले जाएंगे, बस इनको देखते हैं, ए ताद्रिक क्योंकि दा है इसमें, ए ताद्रिक, इदम, इदम में दा नहीं है तो इसके लिए एक सूत्र और बोला गया है, इदम किमो रिश्की, इदम, बस एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना अगली बात पर, इदम किमो रिश्की, अर्थात इदम के स्थान पर ई, यही लिख देता हूं, इदम के स्थान पर ई और किम के स्थान पर की, ये आदेश हो जाते हैं, इदम के स्थान पर, इदम के स्थान पर ई आदेश होता है और किम के स्थान पर की, तो क्या बन जाएगा इदम के स्थान पर, तो ई और दृक हमारे पास पहले से मौजूद है, ये दृक जो भी तो सबके आगे लगता चला जाएगा, ठीक है। अब इश्मद और अस्मद आता है, तो इसके लिए कहा गया है प्रत्यय उत्तर पदयोश्च, इसके लिए युष्मद और अस्मद, यहां लिख दूं मैं ना, युष्मद और अस्मद, क्योंकि दा तो है इसमें, तो इश्माद्रिक एक एक बात बना देता है यहां पर, है ना, फिर देखेंगे युष्मा दृक, एक तो ये हो जाएगा अस्मा दृक, दूसरा इसमें बताया था प्रत्यय उत्तर उत्तर पदयोश्च सूत्र के द्वारा त्वा और मा, इसका ये आदेश हो जाएगा दोनों का, तो इस तरह से यहां पर त्वाद्रिक और इसका माद्रिक, इस तरह से ही प्रयोग कर लिया जाएगा, उम्मीद है ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। भवतु है तो ये बन जाएगा भवाद्रिक, और किम का हमने देखा था किम हो जाता, की हो जाता तो कीद्रिक, समान और अन्य, समान के लिए एक और प्रयोग किया गया है इसमें दृक दृश वतुषु, जब ये तीन शब्द प्रयोग किए हैं दृक दृश, दृश आ रहा है इसमें,
दृक आए, दृश्य आए, वतु आए, इनके स्थान पर जब भी समान इनके साथ समान प्रयोग किया जाएगा तो सभी समान के स्थान पर उसका सा आदेश हो जाएगा, अर्थात समान के स्थान पर सा लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा सादृक और अन्यादृक, 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 ठीक है। इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम के पे चलते हैं, इसको मिटा लें, ये समझ में आ गया होगा आपके। इत्यादि धन दृश्य धन के, ये प्रत्यय प्रयोग किया जा रहा है, ल ये जैसे तैसे उतार लेते हैं हम, इत्यादि धन दृश्य धन। अब लश्क और तद्यते से काका इत्संज्ञा हो जाएगी काकी, और हलंत्यम से यहाँ की इत्संज्ञा हो जाएगी, और उनका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा हमारे पास आम। जब ये बचेगा तो जब ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा तो ये बन जाएगा त्यद धन दृश्य, इस तरह से ये प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमने इसमें सर्वनाम ना जानते ही हैं, हम पहले पढ़ ही लिया है, तो बन जाएगा ये त्या दृश्यहा, इस तरह से ये प्रयोग बन जाएगा त्या दृश्यहा, बस इसमें कुछ नहीं है, इसी तरह से इसमें प्रयोग करते चले जाएंगे। पहले में बन जाएगा ये त्यादृशः तादृशः यादृशः एतादृशः और ईदृशः। अब केवल आपको यही काम करना है और कुछ नहीं, एक बार हमने जान लिया युष्मा दृशः या त्वादृशः, ठीक है, ये दोनों ही प्रयोग कर जाएंगे, अस्मा दृशः भवा दृशः की दृशः और सा दृशः अन्या दृशः, ये इस तरह से ये प्रयोग हो जाएगा। अब चलते हैं हम देखिए, त्यद दृश्य कस, ये प्रयोग है, इसको हम ज्यों की त्यों लिख लेंगे क्योंकि बाद में देखेंगे इसे, दृश्य भी ज्यों की त्यों आ जाएगा। अब हमारा ये बचता है ये लश्क व तद्धते से काकी इत्संज्ञा हो जाएगी और बचेगा हमारा सा, अब केवल हमारा सा बचा। अब उसके बाद में शुरू होती हैं बातें, तो इसके लिए एक सूत्र है बड़ा सा, मैं यहां लिख दूं तब समझ आएगा आपके, है ना, यही लिख देता हूं, उसके नीचे फिर देख लेंगे अगले में। वृश्च वृज सृज मृज यज राज भ्राज शाम शाह, व्रज व्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह, इतना बड़ा है। तो यहां शाह छशाम शाह हमें केवल याद रखना है, शाह के स्थान पर शाह आदेश हो जाता है, शाह के स्थान पर शाह आदेश हो जाता है, तो ये शाह है, इसके स्थान पर ये शाह आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ये त्यद धन दृश्य धन सा। अब ये रह गया है, अभी इसमें एक सूत्र और लगता है, षढ़ो कहसी, षढ़ो कहसी, इसका तात्पर्य है कि इस जो शा के स्थान पर का आदेश हो जाता है, तो बन जाएगा ये त्यद धन दृक् धन सा, इस तरह से ये बन जाता है। इसमें अभी एक सूत्र और लगेगा तब ये पूरा बनेगा, बताया था मैंने कि प्रत्यय जो है पूरे अष्टाध्यायी वेश हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र अगर जानते हैं हम तो प्रत्ययों में गति कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल करने का,
कम से कम सूत्रों का प्रयोग किया जाए और समझ में भी पूरा आ जाए। अगर आपको सूत्र याद भी ना रहे तब भी ये चीजें समझ में आती चली जाए। तो सा है, इसके लिए एक सूत्र है आदेश प्रत्ययो, उसके इसके स्थान पर शा हो जाता है, तो बन जाएगा ये त्यद धन दृक धन शा, ये बन जाएगा। अब हमको पता है, जब हमने वर्णों के बारे में जाना था तो उसमें मिश्रित अक्षरों के बारे में जाना था, मिश्रित व्यंजनों के बारे में जाना था, तो क्षा जो बनता है, कक्षा वाला भी क्षा बनता है, वो का और शा की स्थिति होती है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो वो वाली स्थिति बन जाएगी और ये बन जाएगा त्यद धन दृक्ष। तो जब ये बन जाएगा आ सर्वनामना हमें पता ही है, तो बन जाएगा ये त्या दृक्षहा, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, त्या दृक्षहा प्रयोग बन जाएगा। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी दे रहा हो सकता है, यहां पे मैं इसको लिख ही दे रहा हूं दोबारा से, त्या दृक्षा, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहां पे हम देखते हैं, इसके लिए त्या दृक्ष हमारा बन गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ज्यों की त्यों प्रयोग करते चले जाना है। त्या दृक्षा, इसमें हो जाएगा ता दृक्षा, क्योंकि त्यद के स्थान पर ता लगाना है, तद लगाना है, यद लगाना है, एतद लगाना है, इदम लगाना है, बहुतु लगाना है, किम लगाना, दृक्ष ज्यों की त्यों स्थिति में रहेगा। तो या दृक्ष, कभी कभी गलतियां हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, या दृक्ष एत दृक्ष ई दृक्ष युष्मा दृक्ष अस्मा दृक्ष भवा दृक्ष, इसको छोटा कर रहा हूं, शायद इसमें थोड़ी सी जगह कम रह जाए, कि दृक्ष स दृक्ष और अन्य दृक्ष, ठीक है, त्या दृक्ष ता दृक्ष या दृक्ष एता दृक्ष द्री है, ठीक है। इसमें देख लेना, कभी कभी कुछ ना चीज कुछ ना कुछ चीजें रही जाती हैं, ई दृक्ष इष्मा दृक्ष अस्मा दृक्ष बवा दृक्ष ई की दृक्ष सा दृक्ष अन्य, इस प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं मिटा करके इनके अर्थ वगैरह भी समझाने का प्रयास करूंगा, इनके रूप कैसे चलते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बिना रूपों की समझ में नहीं आती चीजें कि इनका प्रयोग क्या किया है। जब इनका प्रयोग करेंगे हम रूपों की तरह, तब बातें साफ हो पाएंगी। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिला तो अगले आने वाले जो वीडियो हैं उनमें इनके हम दो चार अनुवाद देखेंगे तो बातें एकदम साफ होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो होता है वैसा, त्यादृक्ष त्यादृक त्यादृश त्रादृक्ष दोनों का, या उस जैसा, ये दोनों ऐसे ऐसे ही हैं, वैसा या उस जैसा। यादृक्ष का होता है जैसा, एतादृश का मतलब भी होता है जैसा, एतादृक का मतलब होता है ऐसा, और ई दृश्य इसका भी मतलब होता है ऐसा, इष्मादृक का मतलब होता है तेरे जैसा, और त्वादृक का मतलब तेरे जैसा, अस्मादृक का मतलब मेरे तुम्हारे जैसा, ये दो अर्थ हैं इसके, तुम्हारे जैसा या तेरे जैसा, ऐसे इसका मेरे जैसा। इसमें थोड़ा सा मैंने नजदीक कर दिया है तो गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है, अस्मद और उसका रखना याद, ठीक है, मेरे जैसा
या हमारे जैसा। भवादृश का मतलब आप जैसा, कीदृश का मतलब कैसा, सादृश मतलब समान है, समान या तुल्य, अन्य दृश में अन्य जैसा। ये कुछ बातें हैं, इनके अर्थ हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चर्चा करते चलें इनके रूप कैसे चलते हैं, क्योंकि रूप को जानना बिना यहां पर रूप उम्मीद है, हाँ जगह है, यहां पे लिख दूंगा मैं इनको रूप, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके जो क्विन प्रत्यय वाले हैं इनके रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहां पे लिख देता हूं, है ना, या इसके अंदर लिख दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जगह थोड़ी सी बड़ी कम पड़ रही है। क्विन प्रत्यय, क्विन प्रत्यय वाले जितने भी हैं उनको पुल्लिंग में जो रूप चलेंगे वो राम की तरह रूप चलेंगे, और स्त्रीलिंग में जो रूप चलेंगे शरद की तरह रूप चलेंगे, और नपुंसक लिंग में जो रूप चलेंगे वो जगत की तरह रूप चलेंगे। ठीक है, क्विन प्रत्यय वालों के ये तीन है, राम की तरह, स्त्रीलिंग में शरद की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। और कस कै प्रत्यय पे आइए, अब थोड़ा सा कै प्रत्यय पर पुल्लिंग में रूप चलेंगे राम की तरह, इसको थोड़ा गलत हो गया, राम की तरह रूप नहीं चलेंगे, इसको भूभृत की तरह रूप चलेंगे, भूभृत इसके रूप चलेंगे राम की तरह। ठीक है, और पुल्लिंग में जो रूप चलेंगे और नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग मिलेंगे, पहले स्त्री लिंग में जो रूप चलेंगे इसके दृश्य के नदी की तरह, ठीक है, और नपुंसक लिंग में इसके रूप चलेंगे ज्ञान की तरह। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कै प्रत्यय वालों का, और कस प्रत्यय जो है उसके रूप चलेंगे पुल्लिंग में त्यादृक्ष जो रूप बनता है बिल्कुल राम की तरह रूप चलेंगे, और स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे इसके स्त्रीलिंग में रमा की तरह, रमा की तरह रूप चलेंगे, और नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे इसके ज्ञान की तरह। ठीक है, ये इस तरह से ये रूप चलेंगे, तो इनके हम रूप अगर याद कर लेंगे तो हमें इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली। आज के लिए इतना ही।